सेट कर लेता हूं, लेकिन जब उस पे काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं। जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता, उस समय काम ही नहीं करता। गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो उसके लिए क्या करें? देखो, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। आप लोगों को यह समझना है कि लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे पास दो चॉइसेस होती है, कुछ करने की कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ, जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं, उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होगे या कितने फेल होगे। वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती है, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया, तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। नजरों में आप कब उठोगे? जब आपको यह पता होगा कि चाहे मैं कम डिसीजन लेता हूं, कम लो, दिन में 1000 डिसीजन नहीं लेने, आप कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन, लेकिन उसको पूरा करो। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, आप चाहे कुछ करो या ना करो, दोनों ही चॉइसेस हैं, दोनों आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी, खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में? जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। कभी भी देख लेना, एक अंदर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, पता है कि यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे दर्द होगा, बोरिंग है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट किया है ना, तो पूरा करना है। पढ़ना है, कमिटमेंट किया है, 8 घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना, चलो 1 घंटे का करना है, लेकिन 1 घंटे हर हालत में पढ़ना है। धीरे धीरे वो 1 घंटा बढ़ के अपने आप 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता नहीं। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर, दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे उस पे, खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है अब, और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो, करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आप बदल गए अंदर से, पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपना।